इसरो का मिशन चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और इसरो विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं कर पाया, लेकिन इस मिशन से जुड़ा ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिटर में 8 मशीन लगाई गई हैं, जिन्हें अलग अलग टास्क दिए गए हैं और सारी मशीन वैसे ही काम कर रही हैं जैसे उन्हें करना चाहिए। इस मशीन के बाद इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक नए मिशन की तैयारी में जुट गया है और इस मिशन के तहत इसरो चांद पर इस बार मानव को भेजने वाला है। इस मिशन का बजट 10,000 करोड़ रुपए है और पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो चीफ सिवन ने बताया कि ये प्रोजेक्ट 2021 में कंप्लीट हो जाएगा। इस मिशन पर इसरो और वायुसेना मिलकर काम कर रही हैं। वायुसेना अपने 3 सबसे अच्छे पायलट चुनकर इसरो को देगी। इसके बाद इसरो उन पायलट्स को ट्रेनिंग देगा। भारत का ये महत्वाकांक्षी मिशन है जिसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा के लिए भेजा जाएगा। गगनयान इसरो का पहला मानव मिशन है। 2021 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए 25 पायलटों का सिलेक्शन किया गया है। गगनयान के लिए जिन लोगों को चुना जाएगा उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ये ट्रेनिंग उन्हें रूस में दी जाएगी। सबने कहा था ना कि बस संपर्क टूटा है, हौसले नहीं, तो इसरो तैयार है अपने नए मिशन के साथ एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.